बहुत जबरदस्त मीटिंग करते हुए संतोष कुमार मौर्य सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। हम लोग बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं और संतोष कुमार मौर्य सर से आग्रह करता हूं सर, कंटिन्यू करें सर, अपना बात पूरा करें सर। गुड ओके सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रिएक्शन। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को पुनः दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोगों से बातें करते करते मैं समय को भूल ही जाता हूँ। सचमुच कब 8:25 हो जाता है, वाकई में मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि प्यारे लोगों से मिलने का जो समय होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो दोस्त, आप लोग इसी तरह हर समय बने रहिए और लोगों को साथ में जोड़ते रहिए। साथ ही साथ एक प्रयास कीजिए कि हमें करना क्या है, लोगों को अपने साथ में जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि उनके मोबाइल में एक छोटा सा अलार्म फिट करना है। और वो अलार्म कैसे होना चाहिए, 7:20 पे, 7:45 पे, 7:40 पे आप लगा दीजिए। जैसे ही वो बोलेगा, आपको बताएगा कि सुबह की मीटिंग शुरू हो गई। ये उनके साथ करना है जो हमारे पार्टिसिपेंट में नए आते हैं। और साथ ही साथ उनको पहली बार इस मीटिंग में लाइए और उन्हें इस मीटिंग की खासियत बताइए। जैसे जैसे वो इस मीटिंग में आना शुरू करेंगे, उनका परिचय होगा और मान सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, हर चीज यहाँ पे मिलती है। लेकिन सिवाय आपको एक ही काम करना है, अपनी आंखों को खोलना है और एक प्यारा सा सपना देखना है। वो सपना जो दातो डॉक्टर लिम सियोजिन ने देखा है और उनको आज से कई साल पहले उन्होंने देखा था, और आज देखा जाए तो उन सपने को सब लोगों ने पूरा कर लिया है। देखा सपना उन्होंने था, लेकिन सब लोगों ने पूरा कर लिया है। आप मुंबई से उपेन साहू सर को देख लीजिए, एक कपड़े की दुकान पे सिर्फ कैंची से कपड़े को काटने का काम करते थे, यानी दो लोगों को मिल करके छांटने का काम करते थे, कपड़े की कटिंग का काम करते थे। इनके पास सिर्फ एक कैंची रहती थी जो जुबान से तेज चलती है और कपड़े को अलग कर देती है। सिर्फ अलग करने का काम करते थे, जोड़ने का काम कभी नहीं किए थे। लेकिन धन्य हो दातो डॉक्टर लिम सियोजिन का ये प्यारा सा प्लान, जो आज उनके माध्यम से हम सभी लोग डेली उपेन साहू सर की मीठी वाणियों को सुनने का दिल से बेसब्री से इंतजार करते हैं। और कैसे वो हम सब लोगों को मोटिवेशन रोज नया एक चाबी का छल्ला लाते हैं और बंद ताले को खोलने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सीखने का यहाँ पे मौका मिलता है। यहाँ पे जितने लोग हैं हर रोज कुछ ना कुछ लाते हैं। तो चलिए हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बहुत पार्टिसिपेट हैं, सभी के प्यारी प्यारी बातें सुननी है। और कुछ नियम को फॉलो करने के लिए मैं यही कहूंगा कि जैसे आप अलार्म फिट कर देंगे, उन्हें डेली मीटिंग में ले आएंगे और मीटिंग में 7:45 से लेके 50:55 तक आप लोग अपना नाम, इंट्रोडक्शन, अपने जगह का स्टेट ये बताइए। और उसके बाद फिर मीटिंग को शांति बनाइए। जैसे आज शांति से किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी का माइक म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, और मीटिंग को पूरी तरीके से सुनिए और अपने फील्ड में उतर जाइए, क्योंकि यही एक हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं। जी हाँ, फौज की लड़ाई में हथियारों की जरूरत होती है दोस्त, लेकिन यहाँ की कड़ी से कड़ी मिलने के लिए सिर्फ बातों की जरूरत होती है और अपने प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो घर में लोगों को बुलाइए और अपनी प्यारी प्यारी चाय उनको पिलाइए, जिनकी एक चाय को बनने में 3 मिनट लगता है और अपने रिएक्शन का पूरा प्लान देने में सिर्फ 3 मिनट ही लगता है। जी हाँ दोस्तों, और किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती है। अगर समय मिले तो अपने यहाँ की प्यारी 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 जानकारियां किताबों से पढ़िए और लोगों को साझा कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओकन। ओके, थैंक यू सर, ओवर टू थैंक यू। यू सो मच सर, क्या बात है, जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे संतोष कुमार मौर्य सर को। बहुत ही अलग सुगम में आते हैं, सीखते भी हैं और बहुत कोशिश भी करते हैं बताने का भी, और जबरदस्त सर, ऐसे नहीं 35 कंपनियां के सामना कर चुके हैं और ये डिएक्शन उनको 36वां कंपनी मिला हुआ है। तो दोस्तों, और हैंडरेज करने को किसी को बोलना नहीं है क्या? आज हैंडरेज कम क्यों आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा मौका मिला जा रहा है। बाद में खाली उपेंद्र साहब बोलते हैं, अशोक सर बोलते हैं, ऋषि सिंह से बोलते हैं, सोनी यादव जी बोलती है और संतोष कुमार, हमको तो मौकवे नहीं देते ना। तो मैं क्या बोलता था दिखा देता था, तो मौका तो मिल रहा है, हैंडरेज कीजिए ना, हैंडरेज क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग प्लीज। जिसको शिकायत है कि हमको बोलने ना मौका नहीं मिलता, वो हैंडरेज करे, आज बोले प्लीज, हैंडरेज करे सब लोग, जिसको बोलना है तो हम मौका देते जाएंगे, बुलाते जाएंगे, अपने मन से कोई हैंडेज नहीं कर रहे हैं, बताइए, मैं इतना एक ही अच्छा मैसेज, मौका कर सॉरी छोड़। सर, सॉरी सर, एक मिनट और लेना चाहूंगा। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा सभी लोगों को, जितने लोगों का हाथ ऊपर होगा, ऊपर अभी कहेगा तथास्तु, जल्दी से उसकी किस्मत बदलेगी। तो मैं चाहूंगा जितने जल्दी लोग, सभी लोग अपने हाथों को ऊपर कीजिए और दो ही शब्द बोलिए बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, क्योंकि आज अगर आप अपनी जुबान को नहीं खोलेंगे
तो धीरे 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 बिल्कुल डाउन होते चले जाएंगे। लेकिन हैंडल्स को कीजिए, सॉरी दोस्तों, हैंडल्स को कीजिए और जो भी शब्द हो सके उसको जरूर बोलिए। अरे नहीं कुछ बोल सकते हैं तो डीएक्सन गुड मॉर्निंग बोलिए, और डीएक्सन के क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके बारे में बोलिए, जो फायदे मिलते हैं उसके बारे में बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, क्योंकि बोलने से बात बन जाती है। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। 100 अभी तक नहीं आया है, तो हम चलते हैं छत्तीसगढ़। हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर जुड़ी हुई है जो सिद्धिपेट क्वालिफायर है और बहुत जबरदस्त मीटिंग देती है, तो हम उनको स्वागत करना चाहता हूँ। दूसरा कोई नहीं, संतोषी वाघेल जी हैं। तो प्लीज संतोषी वाघेल जी माइक खोलें और कुछ लोगों को मैसेज दें। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, संतोषी वाघेल जी। आवाज आ रही है संतोषी जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर जो मुझे बोलने की मौका दिए। सभी सर मतलब बेहतरीन, एकदम जबरदस्त बताएं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो मैं जान नहीं पा रही थी उसको समझी। मैं एक कहानी के रूप में शुरुआत करना चाहती हूँ सर। एक गरीब किसान, वो एकदम जिंदगी से मतलब थक चुका था, हार चुका था, किसानी करते करते, अपने परिवार का परवरिश करते करते। अब एक दिन ये सोचा कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे इस दुनिया से चले जाना है। और वो अपने जीवन को त्यागने के लिए ऐसे जगह ढूंढ रहा था कि मैं जहां जाकर मैं अपने आप को खत्म कर लूं। तभी उनके पास दो इंसान आए। तो एक इंसान बोला कि रुको रुको रुको, जीवन बाकी है। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, सुनना है कि नहीं सुनना है? रेखा देवी जी माइक को बंद रखें प्लीज, डिस्टरबेंस ना करें। रेखा देवी जी, यस यस कंटिन्यू। तो उनके पास दो इंसान आए। एक इंसान बोला कि रुको रुको, जीवन अभी बाकी है। उसे जो अपने जीवन को त्यागने मतलब आत्महत्या करने वाले थे उनको रोक दिया। तो दूसरा इंसान बोला, जीवन तो लाजवाब है। मतलब कहना का मतलब मेरा है कि डॉक्टर लिम सिवो जीन ने ऐसा इंसान बना दिया जिसका हाथ पैर मुंह नहीं है, लेकिन हम लोग के माध्यम से आरजी जीएल हर इंसान को मरने से बचा दे रहा है। वही है आरजी जीएल, आरजी रुको बोल रहा है, जीएल लाजवाब बना दे रहे हैं जीवन को। इतना सुंदर प्रोडक्ट है जिसका वर्णन और उसके बारे में हम कितना भी जान ले, जीरो है, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। जब 10 साल रिसर्च करके डॉक्टर लिम सियो जी ने बनाए, तो अभी तक कोई दुनिया में नहीं है उसके बारे में बता सके। क्राउन एम्बेसडर बन गए हैं, वो भी नहीं बता सकते गैनोडर्मा के बारे में। तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कहानी के जरिए से बहुत जबरदस्त मैसेज दिए लोगों को आपने। हमारे बीच में गर्मा गर्म स्टार एजेंट 100 की है गुलाबी जी, तो हम चलते हैं गुलाबी जी के पास। राधे राधे, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जितने भी गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है सर। मैं सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ और मैं बिल्कुल एकदम एकदम, मैं सोच रही थी कि मुझे मौत आ जाए तो बहुत अच्छा है, या तो भगवान मुझे मौत दे दीजिए या तो मुझे ठीक करिए। लेकिन इसी में मुझे गेनोडर्मा मिलता है और किरण बहन मिलती है और ये प्रोडक्ट यूज करने लगती हूँ। और मैं इतना ज्यादा, जैसे मेरा अंदर बचपना आ गया है, इतना एनर्जी भरा रहता है। मैं यही स्पाइलिना जी खाती हूँ, और मतलब जितने भी प्रोडक्ट सिर्फ आरजी जेल नहीं खाई हूँ और बाकी सब प्रोडक्ट खा रही हूँ।
और धीरे धीरे मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो रही हूँ और लोगों को भी जीवन बदल रही हूँ और सब कोई को मदद भी कर रही हूँ बता बता के। और मुझे मान और सम्मान इज्जत सब मुझे मिल रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे, इतना ही कहूंगी, क्षमा करिएगा बोलने में। नहीं, कोई बात नहीं, जबरदस्त मैसेज था आपका, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में रीना मेहरा जी भी हैं, हाँ इंग्रेज की हैं, तो रीना मेहरा जी आपका स्वागत है टीलर्स ग्रुप में, आइए, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं दे प्लीज। रीना मेहरा फॉरम नेपाल। चलिए उनका, हाँ यस यस जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिक्शन सर, जितना इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग डिक्शन और दिल से धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। जो कि आज का सेक्शन है ना, बोला जाए तो बहुत अच्छा से है ना चल रहा है, क्योंकि जिसका अगर कोई भी सवाल है ना तो बोल सकते हैं यहाँ पर। तो देखा जाए हम भी है ना डिक्शन में जो कि आए हैं, जो कि हेल्थ के लगे, सबसे पहले मैं अपना परिचय होना चाहता हूँ। मेरा नाम रीना मारा, घर देखा जाए जनकपुर नेपाल। और डिएक्शन के सिस्टम में देखा जाए है ना, जो कि स्टार रूबी, और बहुत जल्द हम भी मतलब है ना स्टार डायमंड के पोजीशन में है ना, मतलब आकर यहाँ पर हम भी मतलब मीटिंग देंगे है ना। तो एक ही मतलब जो कि स्टार बाकी है हमको डायमंड बनने में, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के है ना सीख सीख के और जो कि अपना अपलाइन के है ना सिखाना बहुत जरूरी है। अगर सीख के अगर शेयर नहीं करते है ना तो बहुत हमारा गलती है। अगर सीख के हम अपना जो कि अपलाइन के है ना सॉरी अपलाइन है ना डाउनलाइन के जो कि सिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर सीख के है ना अगर अपने ही तो रखते हैं तो क्या होता है जो कि है ना अपना जो कि डाउनलाइन होता है ना वहां से मतलब है ना आगे नहीं बढ़ सकते। यह मतलब डिएक्शन क्या है, डिएक्शन बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि मतलब है ना डिएक्शन में एक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाय फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि मतलब डिएक्शन में मतलब कोई भी जगह नहीं है कि एक ही ठाम में से चार मतलब पिलर खड़ा हो सकता है, लेकिन डिएक्शन ऐसा सिस्टम है कि एक ही ठाम पर से चार सिस्टम हमारा जो कि है ना खड़ा हो सकता है। तो बहुत अच्छा है जो कि हम भी समस्या के लेकर आया था है ना यहाँ पर, जो भी समस्या था ठीक हो गया है ना। जो कि अपलाइन बोलते हैं ना, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो हम बोला कैसे सर है ना, तो बोले है कि यहाँ पर जूम ऑनलाइन मीटिंग होता है जो कि बड़का बड़का है ना बोलते है ना कि सेमिनार होता है, वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं। यूट्यूब में वीडियो जो कि बोलते है ना आप पुदीना पुदीना जो कि जे भी गाना है ना आप जे बोले है वही मतलब गाना आ सकता है। ऐसा ही करके हम जो कि यूट्यूब में जाकर मतलब एक टूथपेस्ट के फायदा, एक कॉफी के फायदा है ना मतलब देख देख कर, और जो कि अपना है ना घर से जो कि उसी टाइम हमारा बच्चा था छोटा है ना, मतलब हम बाहर नहीं निकलते थे, फिर भी हम बच्चा के लेकर 21 साल के था हमारा जो कि बच्चा, हम निकल कर जो कि है ना फील और करने लगा। ऐसा ही करते करते जो कि स्टार एजेंट से स्टार रूबी है ना बना। अभी बहुत अच्छा लगता है जो कि हमारा भी हस्बैंड आया है घर पर है ना, अभी कहीं पर काम नहीं मतलब करते हैं यहाँ से, मतलब बहुत खुश हूँ कि मैं है जे भी मतलब अच्छा खासा इनकम मतलब ले सकते हैं यहाँ से। तो बहुत अच्छा लगता है जो कि है ना एक डिएक्शन सिस्टम है कि यहाँ से हम लोग हेल्थ और वेल्थ के सिस्टम बना सकते हैं। तो बहुत मतलब ऐसा हमारा भी टीम में लेडीज है ना, आज जो कि मतलब बोलते हैं ना 50 बरस 48 बरस का लेडीज भी हमारा टीम में 10,000 12,000 जो कि है ना हर महीना बोनस उठा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जो कि बीमारी के बात करा जाए, किनका दर्द बीमारी के बाद मतलब है ना किया जाए तो मतलब है ना बहुत ऐसा मतलब गठिया हो गया जो कि एक 14 साल के लड़की का जो कि पाठेघर बोलते हैं ना उनका मतलब जो कि नुकरिया की शिकायत था। रुको ना कथे वाला बत्ती आई छे आई तो हाँ नहीं बोल के सर हस्ता नमस्ते गुड मॉर्निंग देखन सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जी जी क्या करे बच्चे। ओके ओके कोई बात नहीं है, हमारे बीच में पिंटू राम जी हैं, पिंटू राम जी आइए आप
क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताएं सर? गुड मॉर्निंग डिएक्शन, वेलकम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, सुंदर सर बोलने का मौका दे, जितने भी टेलर्स रूम में जुड़ा सबको गुड मॉर्निंग डिएक्शन कहना चाहते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा है, जबरदस्त सुपर सुपर है। आज मेरा मैसेज है, हम भी कुछ इसमें आए, कुछ समस्या आए थे, हमको भी यहाँ के परेशान थे, हम भी बहुत जगह दिल्ली लुधियाना काठमांडू सब तरह से रिटायर थे, और हमें अब हमें जो गुरु इसमें से गुरु लाए हैं, इसको मेरा नाम, इसका नाम ज्ञान ज्ञान महाराज रीना रीना मैम और श्याम सर के लिए सुपर बहुत अच्छा। हम लोग भी बताया बताया हमको बोला था, हमको विश्वास नहीं हो रहा था, तभी हम भी इसमें शुरू किए हैं। 3-4 महीना से लगातार खाए हैं आरजी जेलस पुलिना नूनी जी ब्लैक कॉफी चाय, और हमको बहुत अच्छा की प्रॉब्लम, चश्मा बंद है, चश्मा भी उतर गया, हमको बहुत खुशी होता है। और हम पार्ट टाइम में काम करते करते गए, और एक मोटामोटी 5-7 आदमी हम पथरे को भी दिए थे, जिसमें जिस जगह पर हम लुधियाना में काम करते थे, इसको 4-4-5-5 समस्या था, थायराइड था, लुकेरिया था, गैस्ट्रिक बीमारी था, प्लस थ्री था, 15 साल से पुराना था, वो लोग विश्वास नहीं करता था, इनको हम विश्वास दिला दिला के आज इनको भी जिसकी यहाँ हम नौकरी करते थे उनको भी कुछ सही किए, आज उन लोग बहुत अच्छा स्वस्थ है और बढ़िया से लोग स्वस्थ भी हो गए, कोई दवा दारू की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, बहुत अच्छा इनको हम दिए आज से। और अपना घर में भी मम्मी का प्रॉब्लम था, वो भी आज चाय 3 चीज खत्म हो चाय और स्कूल लेना, इतना फायदा किया, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लगा। एक गाना गाना चाहते सर, सुंदर सर बताइए। इरशाद 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 सर, वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सर। गुड मॉर्निंग हमर भगिया खेलल हरदम रहे हम गन में अपना गुरु जी के कर लेना मन हो, अपना गुरु जी के कर लेना मन हो, कर ले शुक्रिया हम डॉक्टर डॉक्टर लिंग के हमने के दिले बानी हमर फल गिन के, हर रोग के दवाई कोई वैद्य ना बताई, हर रोग के दवाई कोई वैद्य ना बताई, डॉक्टर सब करे मिलके प्राण हो, अपना गुरु जी के करे लेना मन हो, जो डरमा मिलल हमर भगिया मिलल हरदम रहे दिन रात रहे हम गन में अपना गुरु जी के करे लेना मन। थैंक यू, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर, एक शायरी बोलना चाहते हैं, फूल तो बहुत देखा है चमेली जैसा नहीं, टेलस ग्रुप तो बहुत देखा ग्रुप दे गड़बड़ा गए, चले कोई बात नहीं है सर, ग्रुप तो बहुत देखा लेकिन टीएलएस ग्रुप के जैसा नहीं, ये बोलना चाह रहे थे, तो कोई बात नहीं, होता है, मिस्टेक है, जवान है, कभी कभी लड़का दोस्तों, एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि सीरियस भी मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। झाड़ू को आप लोग देखे हैं, झाड़ू झाड़ू क्या काम करता है, प्लीज कोई माइक ना खोले जिसको इजाजत ना मिले। गुड मॉर्निंग, किसका मैच चालू है? इसके भाई सर जरा देखिए सर, इसके भाई सर, बंद कीजिए सर। यस, तो दोस्तों मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इसके भाई सर बंद करें सर, क्या कर रहे हैं सर? किसका है, किसका बोलिए ना सर, उसका नाम लीजिए सर, बोलिए। एग्जैक्टली सर, ये आप ही का एक खुला है, दूसरा कोई खुला दिख नहीं रहा है यहाँ पे। आवाज किधर से आ रहा है फिर इतना बच्चे का सर? हमारे पास बच्चा नहीं है सर, गार्डन में अकेला हूँ, वो भी कोई नहीं है। एग्जैक्टली मैं तो दोस्तों मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सभी लोग झाड़ू को देखे है, आप लोग झाड़ू क्या काम करता है? झाड़ू कचरा को बीनने के काम करता है, लेकिन एक ध्यान दे दीजिए, अगर झाड़ू के बंधन खुल जाए तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत बड़ा जबरदस्त मैसेज लाया हूं आप लोग के। यस, देखे दोस्तों, झाड़ू क्या करता है, कचरा को बीनता है, लेकिन एक रस्सी के धागा अगर खुल जाता है तो खुद कचरा बन जाता है। इसी तरह से इंसान का जिंदगी है, अगर आप सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर रहे रहते हैं
तो लोगों को कचरा को साफ कर रहे हैं यहाँ। अगर खुद ही कचरा बन जाएंगे, माइक खोल के बीच बीच में बोलने लगेंगे तो क्या होगा? तो प्लीज सब लोग फॉलो करें सिस्टम, बोलने का हैंडरेज फुल पावर दिया गया है, बोलिए ना, बोलिए, हैंडरेज कीजिए, आपको हम लेते हैं। माइक वा खोल के खाली डिस्टर्बेंस कीजिएगा तो कैसे चलेगा बाबा, नहीं चलेगा ना। तो प्लीज गाने का था, आज तो कोई गाना नहीं गया, लास्ट में मैं ही गा लूंगा, टेंशन ना लीजिए, मैं गाना पूरा लिख के लाया भी हूँ और सबको अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे अंपायर लोग सुन चुके हैं हमारे गाना, तो पहले हम मौका देंगे, बाद में हम गाएंगे। हमारे बीच में बहुत देर से गर्मा गर्म एक स्टार एजेंट है जो हैंडेज की हुई है, बेलावती फ्रॉम रूपनदेही नेपाल से। तो बेलावती जी आए और अपना वाणी को बोले। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, बेलावती फ्रॉम नेपाल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग, और दातो डॉक्टर सिम सिम लिम सिउदीन को कोटि कोटि नमन, और हमारे अशोक सर और संजय सर संभव मैम को दिल से धन्यवाद देती हूँ, और हमारे गुरु मेरे लायन साधना मिस को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ जो मुझे रिएक्शन में आज लाए। और सर प्रोडक्ट, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये दवा है, कुछ लोगों की को कंफ्यूजन है, तो ये हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट कोई दवा नहीं है, ये हमारे शरीर का एक भोजन है जो हम लोग, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाते हैं तो जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं, और हमारे जो पेट भरने भरने के लिए जो खाना खाते हैं वो हमको नुकसान नहीं देती है, और जो हम लोग जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देती है। और दवा की बात करें तो दवा क्या है, जिसे हम लोगों के, अगर मान के चले किसी को अगर थायराइड शुगर की और बीपी की समस्या है तो लोग मेडिकल से दवा लेते हैं, तो क्या करती है हमारे जो भी समस्या है उसे दबा देती है, और हमारा रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है वो हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे जाके हमारे जो समस्या है उसे बाहर निकाल देती है, क्योंकि इन समस्या से मैं झेल चुकी हूँ सर, और पहले मैं भी रिएक्शन में आई बीमारी को लेकर, मुझे बहुत ज्यादा बीमारी था रिएक्शन में आने से पहले, आज देखा जाए तो मैं अगर पैदल यहाँ से अपने घर से भैरावा तक कल जाऊँ तो मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता है, पहले मैं घर पे अगर रहती थी तो भी मुझे बहुत दर्द होता था, और आज मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट सभी मैं खा रही हूँ, और मेरा मेरा जो भी समस्या था वो मेरा समस्या ठीक हो गया। और कुछ लोग कहते हैं रिएक्शन क्यों करें, तो रिएक्शन सब लोगों को करना जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसा एक जगह है कि हम लोग यहाँ से अपने शरीर को स्वस्थ भी कर सकते हैं, और हम लोगों को खुशियाँ भी मिल सकती है, और फ्रीडम लाइफ में मिल सकता है, और मान सम्मान भी मिल सकता है, और ऐसा ऐसा कोई भी जगह नहीं है। हम लोग नौकरी में अगर नौकरी करेंगे तो वहाँ पर अगर 2 घंटा 4 घंटा अगर ओवर टाइम भी करेंगे तो हम लोगों को इनकम नहीं बढ़ेगा और हम लोगों को स्वास्थ्य भी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग रिएक्शन में काम करते हैं, रिएक्शन में रहते हैं, तो हम लोगों को मान सम्मान भी मिल सकता है और फ्रीडम भी मिल सकता है और पैसा भी बढ़ सकता है। बस इतना ही सर, कोई गलती हुई हो तो माफ करना सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गलती हुआ ही नहीं है, एकदम जबरदस्त मोटिवेशन दिए हैं, लोगों को मैसेज दिए हैं, बहुत अच्छा। बेलावती जी इसी तरह से काम करते रहे। रिएक्शन का, रिएक्शन एक दिन में नहीं बन जाता है, प्रोसेस, ये बोला जाता है, ये बीज है, जिस तरह से बीज को प्रोसेस करते 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 एक दिन फल देता है, इसी तरह से रिएक्शन प्लेटफॉर्म भी है। तो बहुत अच्छा, हमारे बीच में दिल्ली से कुसुम लता जी हैंडेज किए हुए थी, तो प्लीज कुसुम लता जी माइक खोले प्लीज, बहुत देर से हैंडेज की थी, उनको नहीं ले पाया था मैं। कुसुम लता दिल्ली से। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम हाडरस के निराली सर, अपने लड़के के लिए बहुत हम मुसीबत में आ गए हैं। लड़की को 5 पॉइंट खून बचा है, उसको मैं खिलाती हूँ स्पिरुलिना और काबला RGGL GL और काबला 5 पॉइंट खून बचा है सर। डॉक्टर बोल रहा है खून चढ़वाने के लिए कम से कम 10-15 हजार रुपया लगेगा। कबल लड़की स्वस्थ नहीं हो रही है, हम इसीलिए डिएक्शन में आए थे सर। गुड मॉर्निंग, अब इसके सोल्यूशन आप सर बताइए, आप हम क्या करें लड़की के लिए। अपने 2 दिन का मौका दिया है डॉक्टर मुझे। मैं आपको नमन करना चाहूंगा मैम, अभी रोइए नहीं आप, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन मैम सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्टर की ही जरूरत है। अभी आप अपने से ट्रीटमेंट कुछ भी मत कीजिए, और अगर डॉक्टर बोल रहा है तो सबसे पहले किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि खून की कमी है तो 1 यूनिट खून कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, और 1 यूनिट खून बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा, लगभग 3,000-5,000 के अंदर मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि 1 बोतल खून जाएगा तो उनके शरीर में कुछ देर के लिए थोड़ी सी आपको समय मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। दवा और दुआ दोनों कीजिएगा, किसी एक चीज पे डिपेंड मत कीजिएगा। बच्चों के लिए हमेशा आपको केयर करना बहुत जरूरी होता है, तो डॉक्टर की परामर्श लीजिए, डॉक्टर की राय लीजिए, और बाकी अपना जो ट्रीटमेंट है उसको चलने दीजिएगा, उसको रोकिएगा नहीं। आपको डबल मदद मिलेगा, जैसे 1 यूनिट से आपको थोड़ी सी मदद मिल जाती है और फिर दूसरा यूनिट बन जाता है तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पे डीएक्शन के प्रोडक्ट को भी चालू रखिए, खिलाते रहिए, और दूसरी बात डॉक्टर को भी दिखाते रहिए, वहां से 1 यूनिट की कहीं से व्यवस्था कीजिए, वरना धीरे धीरे लोगों से संपर्क कीजिए, रिलेशन में जो लोग भी होंगे उनसे हेल्प लीजिए, क्योंकि 1 यूनिट खून हर कोई इंसान देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि बच्ची की जान बच जाएगी और आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। तो यहाँ पे पैसे की जिक्र मत कीजिए, क्योंकि पैसे से इंसान कुछ भी नहीं खरीद सकता। यहाँ बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन जीने के लिए तरसते हैं, डॉक्टर के पास भी वो चीजें नहीं होती हैं पैसा होने के बावजूद, लेकिन इंसानियत नाम की चीज बहुत जगह मदद करेगी आपको। सिर्फ अपने रिश्तों को ढूंढिए और अपने रिश्तेदारों को ढूंढिए, वहां से आपको हेल्प मिलेगी और जीवन आपका सुखमय होगा। और यहाँ पे डीएक्शन का प्रोडक्ट जरूर आपके बिटिया के शरीर में जरूर परिवर्तन देगा, ये उम्मीद हम सभी लोग यहाँ पे लगाए रखेंगे, सबसे दुआ करेंगे, सब लोग कहेंगे, और आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो रोने की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है। और मैं चाहूंगा उपेन्द्र साहू सर अगर कुछ और बताना चाहें तो प्लीज बताएं, और बाकी स्पायरोलिना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दीजिए, रोजल जूस दीजिए, नोनी जूस दीजिए, इससे खून जल्द से बनेगा और उनके शरीर में लिक्विड वाला चीज ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि RGGL से बदले आप रोजल जूस और नोनी जूस दे दीजिए और स्पायरोलिना दे दीजिए, खून बहुत तेजी से बनेगा। इसी के साथ जी मैम बोलिए। ये रोजल जूस लाया हूँ। हाँ, रोजल जूस सुबह के समय दीजिए खाली पेट, और शाम के समय नोनी जूस दीजिएगा, और स्पायरोलिना सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दीजिएगा। अच्छा सर, और कोशिश कीजिएगा कि हरी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में उनको अगर दे सकती हैं जूस मिलाकर, जैसे चुकंदर का जूस हुआ, पालक का जूस हुआ, इससे खून बहुत तेजी से बनता है। हाँ, इन सभी चीजों को आप देंगी तो खून बहुत जल्दी से बनेगा, और खून जल्दी से नहीं बन रहा है तो उसके रीजन को समझिएगा कि उनको प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से खून नहीं बन रहा है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा, क्योंकि खून बनाना बड़ी आसान बात है, खून बहुत आराम से बन सकता है, लेकिन खून बनाने वाली मशीन अगर काम नहीं कर रही है तो खून जल्दी नहीं बनेगा। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझिए कि सर डॉक्टर कल संतोष मौर्य सर गुड मॉर्निंग, कल डॉक्टर के लगे गए थे तब बोले थे काबला जोधी के लड़की के खून नहीं चढ़ेगा तो दिगले कोई दवा काम नहीं करेगा, लड़की दवा खाती है तो पसीना पसीना छूटता है तो मालूम होला मर जाएगी, और रात में बैठी रहती है, रात भर बैठी रहती है, दवा खिलाती है तो जैसे हाईटेक। बच्ची की कितनी एज है? बच्ची हमारी है 20 साल की सर। देखिए उनको थोड़ा सा लीवर से और हार्ट से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उनको पसीना आ रहा है, डॉक्टर ने क्या बताया है उनको? सर बोले हैं बिना खून के कोई काम नहीं करेगा, चाहे कुछ तो भी खियाओ ताकत ठीक है, बिल्कुल सही है। एक काम कीजिए, आप
अपने जैसे आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट को पहले यूज किया, आपने पहले स्पायरोलिना दिया फिर रिजल्ट नहीं मिला, फिर आरजीजीएल दिया फिर रिजल्ट नहीं मिला, फिर नोनी जूस दिया फिर रिजल्ट नहीं मिला, फिर रोजा जूस दिया, तो यहाँ पे आप मैम एक बार डॉक्टर को भी बदल के देख लीजिए। और दूसरी बात ये रहेगी मैम कि अगर मान लीजिए उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक यूनिट खून की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी उनको राहत मिल जाएगी तो दवाइयां भी जल्दी काम करना शुरू कर देती हैं। डॉक्टर यही बोले हैं तो पहले खून चढ़वाओ तब उसके बाद तब दवाई काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। 5 पॉइंट खून बचा है तो लड़की के कोई बचाना मुश्किल हो जाएगी। 5 पॉइंट खून है तो कोशिश कीजिए कि एक ब्लड यानी एक यूनिट ब्लड अगर और मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर तो सबसे पहले क्या चाहते हैं कि आपसे जितना पैसा निकल सके निकाला जाए, तो सबसे पहले एक यूनिट उनको दीजिए तो थोड़ी सी उनको राहत मिल जाएगी, फिर धीरे धीरे दवाइयां भी काम करती रहेंगी और फिर धीरे धीरे आप खून का व्यवस्था करते रहिए। एकाएक हाँ ठीक है सर, ठीक है, डरने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर से आराम से बात कीजिए, बोलिए सर 15,000 का मैं व्यवस्था कर रहा हूँ लेकिन पहले आप एक यूनिट चढ़ाइए, मैं एक यूनिट का पैसा आपको दे रहा हूँ, तब तक शरीर में कुछ राहत मिल जाएगी, तब तक आपको मौका भी मिल जाएगा, और जब मौका मिल जाएगा तो आप हाँ पैसे कर सकती हैं, खून का अरेंजमेंट भी कर सकती हैं। तो ओके हाँ सर ओके ठीक, गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, उपेन्द्र साहू सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, संतोष कुमार मौर्या सर बहुत अच्छा से हैंडल किए। और दूसरे में कि अगर 20 साल की लड़की है, अगर खून उसका नहीं बन रहा है 5 पॉइंट के, इसका मतलब है कुछ ना कुछ अनहोनी प्रॉब्लम है उनको। उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि एस्पिरिना खाए और नहीं हुआ, ऐसा तो मैं देखा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं एक शायरी शायर करना चाहता हूँ, एक इंसान का, बहुत हट्टी इंसान, बहुत होशियार आदमी था, वो डॉक्टर के चक्कर लगा लगा परेशान था। उनका बीवी का ब्लड जो था 7 पॉइंट पहुंच चुका था, और 7 पॉइंट पहुंचने से डॉक्टर से परेशान होके एक नाके पे चाय पीने गुजरा और वहां डिएक्शन वाला मिलिए। और डिएक्शन वाला मिलने के बाद में बोला कि सर कहाँ गए थे, तो बोलता डॉक्टर पास गए थे, मेरा बीवी का 7 पॉइंट खून बच गया है। तो उन्होंने तुरंत एस्पायरोना निकाला, बोला सर 6 सुबह 6 शाम खिलाइए, अगर 1 महीना के अंदर नहीं फर्क दिखा तो बोला मैं डिएक्शन छोड़ दूंगा। उन्होंने ये वादा किया और वो होशियार होते हुए भी एक्सेप्ट किए, और एक्सेप्ट करने के बाद में जब 1 महीना एस्पायरोना खिला के डॉक्टर पास गए तो जो कभी खून नहीं बढ़ता था 8 पॉइंट हो गया। डॉक्टर परेशान हो गया कि इसका खून बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता, फिर ऐसा क्या खिलाया इन्होंने। दोस्तों ऐसे ही करते करते बराबर लेवल में लेके आ गया ब्लड, कौन एस्पायरोना, और आज डिएक्शन में डायमंड है। और वो डॉक्टर बोला कि किस चीज से बढ़ाया बताओ, तो उन्होंने एस्पायरोना डब्बा दिखाया, वो भी ज्वाइंट हो गए और वो भी डिएक्शन करने लगे। ये जादू है एस्पायरोना ने। लेकिन देखो किसी किसी का लक अगर साथ नहीं देता है, किसी किसी के समस्या को दूसरा रहता है और नहीं समझ में आता है, तो अपने साथ में डॉक्टर भी हैं, अपने अपलाइन भी हैं, उनको भी मदद लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। हम लोग थोड़ा सीरियस सेक्टर में चले गए थे तो हमारे बीच में एक गणेश भरद्वाज जी बहुत देर से हैंडल किया है, तो उनको भी ले लेते हैं। गणेश भरद्वाज जी प्लीज माइक खोलें, क्या मैसेज देना चाहते हैं। देख गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी डीएक्शन परिवार को सर। सर मैं हैंड रेस्ट की थी तो मेरा हैंड रेस्ट नहीं आ रहा है, बल्कि नाश्ता कर रही थी, सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर सभी को, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, हमारे बीच में सीलम, यस बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सरोजनी भारद्वाज है, ग्राम परसाडी जिला शक्ति। और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं डॉक्टर लीन को जो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सभी के जीवन को बदल दिया। धन्यवाद देती हूँ उपेंद्र सर, आपने बोलने का 2 शब्द मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं भी अपने स्वास्थ्य के लेकर आई थी, मेरे को भी बहुत परेशानी था। माँ को भी पहले ज्यादा परेशानी होता था, माँ के ही जरिए से आई थी। उसके घुटने में बहुत सारे दर्द होते थे, तकलीफ होते थे, और वो खा के इस पाल लेना 2-1 कॉफी खा के वो अच्छी हो गई है। उसके बाद मैं भी खाई सर, मैं भी अच्छी हो गई। फिर धीरे धीरे मेरा भी पैर में दर्द होता था, साटिका जैसे पैर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता था सर। तो मैं भी इस पालना
और 2-1 कॉफी इससे यूज करके मैं भी बाहर निकल चुकी हूँ। और मैं सभी जितने जुड़े हैं सभी को कहना चाहूंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस वाली ना भी बहुत अच्छा से तेजी से खून बढ़ाता है, और डॉक्टर का भी सलाह ले लें। और ऐसे करते करते मैं बताते गई, और ऐसे मुझे विश्वास ना हो करके मैं भी रिजल्ट पाने के लिए, मुझे भी रिजल्ट मिल गया। और माँ को देखते हुए भी मैं पहले विश्वास नहीं करती थी, फिर अपने खा के खुद मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ये सही में रियल प्रोडक्ट है, रियल में काम करता है। 200 250 का 200 का मैं इंजेक्शन लगवाती थी सर, तो मैं चल पाती थी खेत में काम करते करते जाती थी, तो 2-3 बार पैदल चलते चलते रुक रुक के मैं काम करती थी। रुक रुक के काम, जब मैं मेरा समस्या आता था सर तो एक कदम भी मुझे चला नहीं जाता था। तो इसमें का जो प्रोडक्ट खाकर तो मैं अभी काम की हूँ, तो मैं एक बार भी नहीं रुकी सर, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ सर। और थैंक यू। इसके बाद मैं अपने बहन को भी, मेरे बहनों को भी, उसको भी बताई, वो अभी पायल से परेशान था, वो खा करके भी वो भी अच्छा हो गया। और मेरा थैंक यू, टाइम की वजह से आपको रुका रहा हूँ, किसी दिन मौका मिलेगा तब बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं दे रही है। हम एक मिनट, एक बात के मैसेज के लिए मैं चल रहा हूँ सीलम देवी जी के पास। सीलम देवी जी बहुत देर से 100 वीडियो चालू किए हैं, इसके लिए एक मिनट का मौका मिलता है उनको, बाद में हम थर्ड अम्पायर के पास चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग सीलम जी, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहू सर ने आज बोलने को मौका दिए कि आज इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना है, ये अलग ग्रुप से मिला है कि सुबह सुबह 7:45 पर अशोक सर ने इतना बढ़िया चैनल बना दिए हैं कि कम से कम सुनने को ज्ञान मिलने को लिए मिलता है सुबह सुबह। अगर बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उनको 500 रुपया फीस भरना पड़ता है। अब हमारे टीएलएफ ग्रुप ने ऐसा मीटिंग लगा दिए हैं कि बिना पैसे को हम लोग इतना ज्ञान ले रहे हैं, इतना ज्ञान के लिए तो कितना पैसे लगाना पड़ जाता है, लेकिन हम लोग को फ्री में मिल रहा है। सर हम भी आए थे हेल्थ के लिए सर, हमारे भी समस्या था, लेकिन हमारा भी समस्या खत्म हो गया। आप तो जानती हैं हमारे यूरिक एसिड का दिक्कत था, कितना परेशान हो गए थे दवा करा करा के। हमारा पीरियड साल भर नहीं आया था सर, लेकिन हमारा पीरियड देखिए साल भर पे आ गया सर, हमारा पीरियड है। लेकिन सर ये है कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमने स्पायरोलिना खाया, 2-in-1 कॉफी खाया, हमने काबुलाला मोरिंगा खाया, गिलो खाया सर, हमने कॉफी इतना, हम लोग कम्बुचा भी खाया पिया, बच्चों को भी खिलाए सर, लेकिन हम लोग को खा खा के शरीर स्वस्थ हो गई। बैंक में पैसा निकालने के लिए थैंक यू सो मच। हम चलते हैं थर्ड अंपायर के पास, अशोक कुमार यादव सर अगर हैं तो सर माइक खोले सर, कुछ बोले सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, आपके बगैर अधूरा है सर। AK-47 वो बिजी है शायद, तो हम चलते हैं दूसरा अंपायर, हमारे एस एस सिंह सर हैं। एस एस सिंह सर वेलकम है सर, अगर आपका भी टाइम है तो सर आप कुछ बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर को, आज कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई खास प्लानिंग नहीं थी आज की मीटिंग का, लेकिन फिर भी आज की मीटिंग को सुपर हिट बनाने के लिए उपेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज जितने भी लोगों ने शेयरिंग करी है, जितने लोगों को मौका मिला है, जितने लोगों ने बातें करी, बहुत 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 बेहतरीन बातें करी है। और आज का दिन आप लोगों का दिन रहा है दोस्तों, और आज का आपका दिन एकदम सुपर हिट हो, जैसे मीटिंग सुपर हिट हुई है इसी तरह से आज का आपका दिन भी सुपर हिट हो। और निश्चित तौर पर ये जो निर्णय है उपेंद्र का, ये जो टेक्निक है, ये जो निर्णय है, एक एक लोगों को खोज खोज के खोज उनको मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको बात करने के लिए उत्साहित करते हैं। उनका नेट कट गया है तो हम चलते हैं एसके भाई सर। एसके भाई सर गुड मॉर्निंग सर, एसके भाई सर कुछ मैसेज देते हुए वाइंडेड करें सर। गुड मॉर्निंग एसके भाई सर। रिएक्शन, आज का मीटिंग देखा जाए तो सभी के लिए था, और हमारे उपेन साहब सर ने बहुत ही बाखूबी तरीके से इसको संभाला भी है। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स ने अपना बात रखा, अपनी बातों को शेयर किया, यही तो करना चाहिए। और देखिए हम लोगों को महीने में डायमंड्स को ही मौका मिलता है, लेकिन किस दिन अगर हमें मौका मिल जाए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने जो भी सीखा है, जो भी देख रहे हैं, जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको शेयर